और आगे भी यह भी जारी रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा, लेकिन यह है किसी किसी को मिलता है। तो असल में महापुरुषों की जो किताबें हैं वो तो ये बता रही है, वही प्रमाण है, सच्चा प्रमाण मालिक के होने का। इसलिए वो स्वामी महाराज ने कहा कि एक अनियानामा अभी सत्यान प्रभुधामा पार प्रभुवासी और ब्रह्म निजी ब्रजनाथी। कहते पहले एक ही था और कुछ नहीं था, एक वही अनामी पुरुष, आज ही अनामी है, आज ही अनामी है, समझे, और पहले भी थे। और वो तो उनका देश और मतलब ये लंबाई चौड़ाई और मतलब उसको तो कोई ना कभी गिन सका ना नाप सका, तो ऐसा है वाली पहले एक ही था। अब ये है कि यहाँ आकर के अब तुम आपको तो ये मालूम नहीं, ये तो आप संक्षेप में सुन रहे हो, अब आप तो सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा है। और जब हम प्रमाण देंगे उसका, देखो ये कहा उन्होंने और ये पिछले लोगों ने कहा और ये पिछले लोगों में, तब आपको यकीन होगा, ऐसे यकीन विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास बैठेगा नहीं। जब प्रमाण प्रेमियों का और जो लेने के लिए आए उनका, जब प्रमाण गुरुओं का और उनका दिया जाएगा, तब आपको ये होगा कि हाँ ये मतलब है। तो उसी में जो लिखा हुआ है जो वेदों में, तो वेद तो कोई जानता नहीं, में से कोई नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो उसको कुछ नहीं मालूम, फिर जो शास्त्र बना है उसको नहीं जानते हो। अब उसके बाद बीच में जो आए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की व्याख्या की उसने, बड़ी मुश्किल से उसने देखा होगा और उसने कुछ वैकुंठ कह दिया, बाकी कुछ नहीं ऊपर का, उसको भी आगे मालूम। तो स्वर्ग जाने में भी भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ का सब जानने लगता है, यहाँ का लोग उधर का जाकर जाएगा वहां का सब जानेगा, यहाँ का भी जानेगा, और बैकुंठ में जाने वाला बैकुंठ स्वर्ग और यहाँ भी जानेगा, और ऊपर के लोक में उन तीनों लोगों को वहां सूचन लोग भी जाएगा वो जानेगा, वो जितना चर्चा जाएगा उतना सब जानता जाएगा, तब एक उसकी आंखों के सामने खो जाएगा, छूटने वाला नहीं है। जब दृष्टि खुलती है तो ये छुटता नहीं, वहां रात्रि तो है नहीं, इधर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, वहां तो उजाला ही उजाला है। आंखों के ऊपर चले और आंखें साफ हुई, ये अंतःकरण साफ हुआ तो उजाले में फिर नहीं बंद होने वाला, प्रकाश ही प्रकाश ऊपर, और प्रकाश में रचना है, एक से एक दिन रचना है, मतलब ये जो लिखने में नहीं आए ऐसी अलौकिक रचना है, रचना ऊपरी है, रचना या कुछ नहीं है, तो मिट्टी का ये ढेमा है, मिट्टी का ढेला है, ये कुछ नहीं है, रचना तो ऊपर है, ऊपर जमीन तो जीवात्माओं की ऊपर है रहने की, ये जमीन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ये अगर तुम्हारी जमीन होती तो हमेशा रहते, आपकी चेतन जमीन ऊपर है, वहां ऊपर महासागर है जिसको कह नहीं सकते, वहां तो जीवात्माओं को भरा हुआ, अब वो रास्ता जो मनुष्य शरीर से जाता है, जिस शरीर से ये वाणी है, जिस रास्ते से वो जो जाता है, वो अगर जानकारों से मिल जाए तो क्या हम जा सकते हैं, अब वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। उसी के लिए कहते हैं उनको खोजो जो परिपूर्ण शब्द वेदी है, नाम वेदी, जो सब स्थानों को देखते हैं और जाते हैं, मिलते हैं और चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, उनके पास जाओ तो आप उनकी बात पहुंच नहीं पाते, क्या करें। ये अपनी परा सनातन विद्या कोई आज की नहीं है, ये सचयुग में जब आए थे तो सभी उसको प्राप्त किए थे, आप उन किताबों का संतों की जानकारी नहीं है, कोई गोस्वामी महाराज तो पूरे संत थे, कोई अधूरे थोड़े, पूरे देव पूरे आते थे, पूरे जाते थे, तब तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि सतयुग योगी, सतयुग में जितने स्त्री पुरुष बच्चे थे सब योगी थे, 9 महीने के बाद तब, और गर्भ में उनको ज्ञान था, आंख खुली थी, कान खुले थे, अंदर से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये सब था, तो सब योगी विज्ञानी सब,
उसके अधिकारी थे। अब ये है कि आप उन पर नहीं जमा सको तो कोई क्या करेगा। यह तत्त्व, ये कथा वार्ता नहीं है। जीवात्मा कैसे उससे जुड़ेगी उसका ये संदेशा है। इसको कहते हैं सत्य का संग हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग तो सत्य है, नाम तो सत्य है, और नाम यहां से मतलब यह है कि वो अपने जगह से उसको बंद कर ले, जैसे पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए सब खत्म, कहीं रोशनी नहीं होगी। ऐसे वहां शब्द अपना बंद कर ले तो यहाँ कुछ भी नहीं, पलक के मारते सब खत्म। ना आप रहोगे ना जमीन रहेगी ना आसमान, ये कुछ नहीं रहेगा, ना सूरज ना चांद, कोई चीज नहीं रहेगी। वहां से बंद कर दे शब्द, वो बंद कर ले सब खत्म। ऐसा उठ जाएगा कि ध्रुव की तरह से कहां गायब हो गया, उसी के साथ आप गायब हो जाओगे। तो ये नासमान सृष्टि, यहां आप रह नहीं सकते। और ये चेतन जीवात्मा होनी चाहिए, इसमें ईश्वर बना नहीं सकता, ब्रह्म इसको बना नहीं सकता, वो तो मांग करके, वो भी तो एक सूरत है जो सतपुरुष के है, जो आए हुए कहते हैं सूत हैं बच्चे हैं, उनको भेजा, उनको निकाल दिया, तुम जाओ, तो वो भी तो एक सूरत है इनकी तरफ से। और ऊंचे मंजिल पर उतना ही है, आप जब उस मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर उतना ही उसके ऊपर जाओ तो उतना ही प्रकाश आपका भी। तो वो भी मतलब अकेले आए थे और ये मांग करके ले आए, तो नाम सोता नहीं गए, रास्ता एक ही उतरने का, सुरतों को नाम सोतार करके भेजा गया। और सुरतों का नाम अलग है और इनका नाम अलग है, और रचना का शब्द अलग है, रचना का नाम अलग है जो उसने सर्वत व्यापक रचना की है, उसका मतलब ये जो मंडल आकाश बनाए उसमें मतलब ये बात बात के वो अलग है, शब्द अलग अलग है। आप वो शब्द पा जाओ जिसे सुधर उतर करके आई तो चढ़ जाओगे आप, तब चढ़ाई हो जाएगी। और उस शब्द का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। कोई शब्द न चाहिए तो उतारे गए, और ठीक है जो उतारे गए हो, इस स्थान से यह स्थान, इस स्थान से यह स्थान, इससे यह स्थान और इससे यह स्थान उतर के लाए गए, और ला करके जहां दोनों आंखों के यहाँ सामने बैठा दिया, ये इसका नाका, ये मृत्युओं का ये नाका, मतलब ये आकाश इसके नीचे, ये आकाश इसके नीचे है और ये इसके ऊपर बैठी है सूरत। तो सूरत का आकाश ऊपर है, इसी आकाश में जितने भी कर्म है आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे ये सब के सब इसी में जमा है, यही फैसला होता है इसका। और वो तुम जला नहीं सकते हो जब तक ये रूपी अग्नि प्रकट न हो जाए, नाम न प्रकट हो तब तक वो जलेगा नहीं, चबाई नहीं होगी इसमें। मोटी सी बात सीधी साधी आपको, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाता हूँ, और भी सरलता से पढ़ाता हूँ, मुश्किल नहीं है। तो सुन लीजिए जरा दोस्तों, मैं तो कोई दूसरी बात ला नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले महापुरुषों ने जो संकेत दिया है आगे कहना तो वो भी ये भी सब इशारे ही है। से सूरती भाई न्यारी रे मन से बनी कर यारी। अरे भाई जीवात्मा दुर से शब्द से नाम से आवाज से ये अलग, और सूरत की दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ। इंद्रिय कहते हैं दो आंख है, दो कान है, ये जब हमो है, और मतलब ये इंद्री द्वार गदाधार, इनकी यारी ये भी मन की यारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों की यारी भोगों के साथ। ये सब जो पर्दे है ये भोग है, ये मिल जाए ये मिल जाए उसका रस पी लेगा मन, तो सूरत मन के
जाल में और मन इंद्रियों के जाल में,